please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. असम के नगांव में एक तालाब के किनारे करंट फैलने से वहां आग लग गई, जबकि एक आदमी करंट की चपेट में आ गया। बताया गया कि तालाब में हाई वोल्टेज बिजली का तार गिरने से पानी में करंट फैल गया, जिससे 6 मछुआरों की मौत हो गई, जिनमें से एक आदमी को तालाब के किनारे ही करंट का जोरदार झटका लगा, जिससे वहां आग भी लग गई। तत्काल आसपास मौजूद लोगों ने लकड़ी के सहारे आग को बुझाया और उस आदमी को बचाने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई, जबकि कुछ मछुआरे पानी में फैले करंट की चपेट में आ गए, जिन्हें बाद में लोगों ने पानी से बाहर निकाला। इस दौरान तालाब किनारे लोगों की भारी भीड़ जुट गई और वहां मातम पसर गया। मारे गए कुल 6 लोगों में 10 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इस हादसे में करीब 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। दावा किया गया कि सुबह के वक्त बिजली के खंभे से एक तार के ढीले होने की सूचना वहां के लोगों ने बिजली विभाग को दी थी, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी ने दावा किया कि तार में करंट नहीं है और खतरे की बात टाल दी। इसके घंटे भर बाद ही मछुआरे पानी में उतरे तो करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद मछुआरों की मौत से नाराज लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने उस बिजली कर्मचारी के घर में तोड़फोड़ कर दी। और नाराज लोगों की भीड़ हाथों में लाठियां लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी के घर पहुंच गए और वहां खड़ी एक कार में जमकर तोड़फोड़ की। इलाके में तनाव फैलने के बाद राज्य के जल संसाधन मंत्री केशव महंत मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। मंत्री केशव महंत ने लोगों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। वहीं मुख्यमंत्री सर्वनंदा सोनोवाल ने मामले में न्यायिक जाँच के आदेश भी दे दिए। गरीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2016 के बीच भारत में रहने वाले 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल पहले भारत की करीब 55% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, जो अब घटकर 28% रह गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के आधे से ज्यादा गरीब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहते हैं। इन चारों राज्यों के 19 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे। UNDP की इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरी दुनिया में 130 करोड़ लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। यूपी के अलीगढ़ में दो बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो गए। दोनों बदमाशों के घर वालों ने पुलिस पर 4 दिन पहले उन्हें घर से उठाने का आरोप लगाया। और मुठभेड़ में दो इनामी अपराधियों के मारने के अलीगढ़ पुलिस के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों मुस्तकीम और नौशाद के घर वालों ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया। दोनों के परिवार ने दावा किया कि नौशाद और मुस्तकीम को पुलिस घर से उठाकर ले गई और दोनों ने कभी कोई अपराध नहीं किया था। पुलिस ने दोनों के थाने से भागने की झूठी कहानी बताई। मैं मजदूरी में गए हुए थे, बता के नहीं ऐसी इनके घर से पकड़ के ले गए। वहीं मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाशों के परिवार के आरोपों पर अलीगढ़ पुलिस ने भी जवाब दिया और मुठभेड़ को सही बताया। 6 लोगों के मर्डर में इनकी तलाश थी, लगातार दबिशें दी जा रही थी। मुठभेड़ में ये लोग मारे गए हैं और ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं कि पुलिस पहले से उठा करके लाई थी। लेकिन मुठभेड़ पर पुलिस की सफाई राजनीतिक दलों को रास नहीं आई, क्योंकि इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए राजनीतिक दलों ने यूपी में हुई दूसरी मुठभेड़ को लेकर भी योगी सरकार और यूपी पुलिस को घेरा और BSP ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की। जांच होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए भाई, किसी भी आदमी को उठा के ऐसे मार दोगे। वहीं कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर हमला बोला और परिवार के आरोपों को सही बताया। अगर घर वाले कह रहे हैं घर से ले जाकर के उनको मारा गया है, तो इसकी तहकीक तो होनी चाहिए और ये शिकायत तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ लगातार आ रही है। अलीगढ़ पुलिस ने गुरुवार को मुठभेड़ में दो बदमाशों को मार गिराया था, जिसके बाद अपराधियों के परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने उनके रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों बदमाशों को दफना दिया। अपनी खूबसूरती और हुनर से पूरी दुनिया में नाम कमाने वाली चीन की कलाकार फन बिंगमिंग पिछले 2.5 महीने से लापता हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनके लापता होने के पीछे चीन सरकार का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि फन बिंगमिंग हमेशा से चीन सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती रही है। इसलिए ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि उन्हें शी जिनपिंग सरकार के इशारे पर ही अगवा किया गया। इतनी मशहूर हस्ती के लापता होने पर चीन की चुप्पी शक पैदा करती है। चीन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने जी पेंग, जो उनके लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, उनके ऊपर उंगली उठानी शुरू की है। फन बिंगमिंग को चीन में आखिरी बार 1 जुलाई को शंघाई में एक समारोह में देखा गया था, तब से उनका कोई पता नहीं चल रहा। आरोप ये भी लग रहे हैं कि चीन सरकार बिंगमिंग से जुड़ी जानकारी दुनिया के सामने नहीं आने दे रही है। इसका सबूत भी इसी महीने सामने आया।
जब 6 सितंबर को एक न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि फन बिंगमिंग हिरासत में है और उनके बारे में जल्द फैसला होगा, लेकिन ये खबर कुछ घंटे बाद मीडिया से गायब हो गई। इससे साफ है कि चीन सरकार ने फन बिंगमिंग पर गुप्त रूप से शिकंजा कस रखा है। हालांकि उनके लापता होने से पहले मई में उन पर टैक्स चोरी का आरोप भी लगा, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद जुलाई में वो अचानक लापता हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों के मुद्दों पर होने वाली छमाही बैठक में दाम बढ़ाने के फैसले पर मुहर लग सकती है। दावा किया जा रहा है कि दोनों गैसों की बेस प्राइस में 14% तक की बढ़ोतरी संभव है, जिसके बाद नेचुरल गैस की बेस प्राइस $3.5 यानी करीब ₹252 प्रति यूनिट तक बढ़ सकती है। उत्पादन के स्तर पर गैस की बेस प्राइस बढ़ने के बाद कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की सप्लाई करने वाली आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड अप्रैल से सितंबर के बीच 3 बार दाम बढ़ा चुकी है। इस दौरान सीएनजी के दाम में कुल ₹2.89 की बढ़ोतरी की गई। बताया गया कि इस बढ़ोतरी का आधा हिस्सा यानी करीब ₹1.43 की बढ़ोतरी रुपए में आई गिरावट की वजह से हुई थी। दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग अस्पताल में डिप्थीरिया नाम की बीमारी की वजह से पिछले 14 दिन में 12 बच्चों की मौत होने का दावा किया गया। आरोप है कि अस्पताल में एंटी डिप्थीरिया वैक्सीन मौजूद ही नहीं, जिसकी वजह से इलाज करा रहे बच्चों की मौत का आरोप अस्पताल पर लगा। राजधानी दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग अस्पताल में पिछले कुछ दिनों में 12 बच्चों की मौत हो गई। वहीं बीमार बच्चों के घरवालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और दावा किया कि डॉक्टर उन्हें वैक्सीन बाहर से खरीदने को कहते हैं क्योंकि वो महंगी है। डॉक्टर सुबह से एक दफा आए हैं, डॉक्टर लोगों ने इंजेक्शन लिख के दे दिए है। अच्छा जी, इंजेक्शन यहाँ आसपास पूरी दिल्ली में कहीं इंजेक्शन नहीं मिल रहे, यहाँ लाए यहाँ इंजेक्शन नहीं मिल रहे। आरोपों को नकारते हुए डॉक्टरों ने दावा किया कि अस्पताल में एंटी डिप्थीरिया वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं, इसी वजह से मरीजों को उसे बाहर से खरीदने के लिए कहा गया। अभी हमारे पास नहीं होने की वजह से नहीं दे पा रहे हम यहाँ से। बताया गया कि डिप्थीरिया से पीड़ित 300 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इलाज के लिए डिप्थीरिया की वैक्सीन निजी अस्पतालों में भी नहीं मिलती, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए डिप्थीरिया से पीड़ित मरीजों को सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों के ऐलान के बाद से ही आतंकी बौखलाए हुए हैं और आए दिन वो वहां के पंचायत घरों को निशाना बना रहे हैं। बीते रोज आतंकियों ने कुलगाम के एक पंचायत घर को आग के हवाले कर दिया। अब तक बीते कुछ दिन में घाटी के 11 पंचायत घरों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। तमिलनाडु के मदुरई में एक बस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार से आ रही बाइक एक मोड़ पर अचानक बस के सामने आ गई और जब तक बस ड्राइवर कुछ समझ पाता तब तक बाइक बस के अगले हिस्से से टकरा गई। टक्कर होते ही बाइक पर बैठे 3 लोग सड़क पर गिरकर घिसटने लगे। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखा कि हादसे से ठीक पहले वहां गाड़ियां आसानी से गुजर रही थी। इसी बीच पीले रंग की एक बस सामने से आती दिखी, जबकि बाइक पर सवार 3 लोग मोड़ के दूसरी ओर से तेजी से आए। बाइक को सामने देख बस ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाई, लेकिन तब तक बाइक बस के सामने पहुंच चुकी थी और अगले ही पल हुई जोरदार टक्कर के बाद बाइक पर बैठे 3 लोग सड़क पर गिरकर घिसटने लगे। साथ ही बस भी उनकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन सड़क पर गिरे 3 लोगों के ठीक पास पहुंचकर बस रुक गई। हादसे के तुरंत बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने सड़क पर गिरे लोगों को उठाकर अस्पताल भिजवाया। बताया गया कि इस हादसे में बाइक सवार 3 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं। यूपी के भदोही में लोगों की भीड़ ने एक महिला का शव नेशनल हाईवे पर रखकर वहां जाम लगा दिया। नाराज लोगों ने महिला की मौत के बाद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की और महिला का शव नेशनल हाईवे नंबर 2 पर रख दिया और वहां सड़क पर जाम लगा दिया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगर होता तो हो जाता, नहीं इसके पक्षधर नहीं। हंगामे को देखते हुए अपर जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। आश्वासन दिया गया कि जो नियम संगत कार्रवाई हो सकती है आपके हित में वो की जाएगी और जो भी मदद आपको आर्थिक दी जा सकती है वो आपको। बताया गया कि मारी गई महिला का उसकी पड़ोसियों से विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट के दौरान महिला जख्मी हो गई, जिसे इलाहाबाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई।